पेज रिप्लेसमेंट बेसिक के बारे में आज स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पेज रिप्लेसमेंट इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था। कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पेजिंग को एज ए मेमोरी मैनेजमेंट के तौर पर यूज़ करता है, और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो डिसाइड करती है कि पेज मेमोरी पेजेस कौन से मेमोरी पेजेस जो हैं वो पेज आउट होगा, सम टाइम कॉल्ड स्वैप आउट भी कहा जाता है और राइट टू द डिस्क भी कहा जाता है। व्हेन अ पेज ऑफ मेमोरी नीड्स टू बी एलोकेटेड, जब कोई पेज को जो है मेमोरी एलोकेट करने की ज़रूरत पेश आती है तो कौन सा पेज जो है वो पेज आउट होगा, तो ये डिसाइड जो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम करता है। व्हेन एवर अ न्यू पेज इज रेफरेंस्ड, तो वो पेज मेमोरी के अंदर मौजूद ना हो तो पेज फॉल्ट जो है वो जनरेट होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एग्जिस्टिंग मेमोरी के अंदर मौजूद पेजेस में से किसी एक पेज को रिप्लेस करते हैं विद न्यूली रिक्वायर्ड और नीडेड पेजेस से। तो डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सजेस्ट डिफरेंट वे कि किस तरह जो है कोई पेज जो है वो रिप्लेस किया जाएगा डिसाइड करता है, यानी कि पेज रिप्लेसमेंट डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो हैं वो डिसाइड करते हैं डिफरेंट तरीके से कि कौन सा पेज जो है वो रिप्लेस किया जाएगा। कंसिडर अ प्रोसेस एक्स डिवाइड इनटू फाइव पेजेस P1, P2, P3, P4 एंड P5। लेट्स से हम अज्यूम करते हैं एक और प्रोसेस है जिसे हमने चार पेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। सपोज अ प्रोसेस वाइड डिवाइड इनटू अ फोर पेजेस P1, P2, P3 एंड P4। अज्यूम हम ये करते हैं कि लेट्स से कि प्रोसेस एक्स जो है वो स्टार्ट होता है और इनिशियलाइज पहले होता है और उसको लोड किया जाता है मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर उसके जो पेजेस लोडेड होंगे तो वो कुछ ऐसे जो है मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई होंगे, ये P1 पेज है, P4, P3, P4 और P2। तो बेसिकली ये पेजिंग जो है नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन पेजिंग स्कीम मेमोरी स्कीम है। सो एग्जैक्टली इनका ऑर्डर जो है वो डजंट मैटर करता है, सीक्वेंस जो है वो मैटर नहीं करता, तो पेजेस जो हैं वो मेमोरी के अंदर कहीं भी उनको जो है स्पेस एलोकेट की जा सकती है। तो बेसिकली एग्जैक्टली इनको अगर हमने जो है लोकेट करना हो तो इनके दरमियान में एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पेज टेबल कहते हैं, और इस पेज टेबल के अंदर हमारे पास फ्रेम नंबर और जो है पेज नंबर जो है वो इस पेज टेबल के अंदर मौजूद होते हैं, जहाँ से हम एग्जैक्टली किस फ्रेम के अंदर कौन सा पेज जो है वो लोडेड है। सो वी हैव पेज टेबल इन बिटवीन वे विच मेंटेन द पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर। सो ऑल पेजेस ऑफ प्रोसेस एक्स इज लोडेड इनटू द रैम, जो हमारे पास सिनेरियो मौजूद है। लेट्स से कि ये प्रोसेस एक्स जो है स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूशन इसकी स्टार्ट हुई है, सीपीयू जो है उसने P1 पेज को जो है एक्स प्रोसेस को जो है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। मीनवाइल कंसीडर ये करते हैं कि वाई जो है मेमोरी के अंदर लोड होता है और इनिशिएट होता है, और इसके जो है चार पेजेस जो हैं दैट विल बी अ लोडेड। तो हमारे पास फ्रेम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मेमोरी के अंदर, वो तीन अवेलेबल हैं। तो प्रोसेस वाई के जो पेजेस मेमोरी के अंदर लोड हुए P3, P1 और P4 जो है, दीज आर द पेजेस विच इज़ लोडेड इनटू द मेमोरी। जैसा कि आप देख सकते हैं P2 जो पेज है वाई प्रोसेस का वो मेमोरी के अंदर लोडेड नहीं है, क्योंकि रैम जो है वो फुल है, रैम जो है वो लिमिटेड होती है उसका साइज़। सो पेजिंग के अंदर हमें, जैसे हम जानते हैं कि सम पोर्शन जो है सेकेंडरी मेमोरी का वो एज ए मेमोरी के तौर पर यूज़ किया जाता है, जिसे हम वर्चुअल मेमोरी भी कहते हैं। तो लेट्स से हम कहते हैं कि P2 जो है पेज वाई का वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर कहीं पे लोडेड है, तो CPU जैसे ही मूव करेगा प्रोसेस वाई के ऊपर और उसको जो पेज P2 जो है वो
मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, रैम के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो देखेगा पेज टेबल के अंदर वाई प्रोसेस जो कि उसके अगेंस्ट पी टू पेज जो है उसकी वैलिड एंट्री जो है वो मौजूद होगी। ये हमारे पास पेज टेबल है और इस पेज टेबल के अंदर हमारे पास जो है इसके अगेंस्ट जो है पी टू पेज के अगेंस्ट जो है इनवैलिड एंट्री मौजूद होगी। जी ये हमारे पास पी टू प्रोसेस है, पी टू पेज है जो कि पेज टेबल के अंदर इसके अगेंस्ट जो है वो एंट्री हमारे पास इनवैलिड एंट्री जो है वो मौजूद होगी। तो पेज फॉल्ट जो है दैट विल बी अ जनरेटेड, इंटरप्ट हैज़ बीन जनरेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट विल गोज़ टू द वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी में जाएगा एंड उस पेज को पिक करेगा और पेज को पिक करने के बाद उसको रैम के अंदर लाएगा। बट अब हमारे पास जो सिनेरियो है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कोई पेज जो है वो इस टाइम मेमोरी के अंदर कोई फ्रेम जो है वो एम्प्टी अवेलेबल नहीं है, खाली अवेलेबल नहीं है, रैम जो है वो फुल है। तो इस सिनेरियो में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो कम्स इनटू द पिक्चर और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो डिसाइड करेगा कि किस पेज को जो है वो किस पेज को किस प्रोसेस के किस पेज को जो है स्वैप आउट किया जाएगा और ये वाई प्रोसेस के पी टू पेज को जो है वो मेमोरी के अंदर स्वैप इन किया जाएगा। ये डिपेंड करता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के ऊपर। सपोज हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये फ्रेम जो है इसको पिक किया पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में और वाई प्रोसेस के पी टू पेज को जो है वो स्वैप इन किया और एक्स प्रोसेस के पी फोर पेज को जो है वो स्वैप आउट करेगा, यानी कि जो प्रोसेस एक्स का जो है पेज वो स्वैप आउट हो जाएगा और वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर कहीं पे भी उसको जगह जो है वो एलोकेट कर दी जाएगी। तो प्रोसेस जो वाई था जिसको पी टू पेज जो रिक्वायर्ड था दैट विल बी अ लोडेड जो है वो मेमोरी के अंदर लोड हो गया और एक्स का पी फोर पेज विल बी अ लोडेड इन टू अ वर्चुअल मेमोरी समवेयर कहीं पे। दैट इज़ हाउ द पेज रिप्लेसमेंट वर्क जो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो वर्क करता है। इट्स मीन के जो रिक्वायर्ड पेज जो जो चाहिए प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए और प्रोसेस जो है वो पेज जो है वो मेमोरी के अंदर या रैम के अंदर अवेलेबल नहीं है तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो डिसाइड करता है कि मेमोरी में से किस पेज को जो है वो स्वैप आउट किया जाए और उसकी जगह नीडेड और रिक्वायर्ड पेज को जो है वो स्वैप इन किया जाए। सो दैट इज़ पेज रिप्लेसमेंट। और नज़ीद फिर आगे हम देखते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट जो है वो किस तरह जो है उसकी वर्किंग होती है। सो पेज रिप्लेसमेंट के नतीजे में स्वैप इन और स्वैप आउट जो है वो परफॉर्म हुआ, यानी कि वाई टू जो है उसका पेज वाई टू वाई प्रोसेस का पी टू पेज जो है दैट इज़ स्वैप इन और एक्स प्रोसेस का पी फोर पेज इज स्वैप आउट। पेज रिप्लेसमेंट टेक्स द फॉलोइंग अप्रोच, इफ़ नो फ्रेम इज़ फ्री वी फाइंड वन दैट इज़ नॉट करंटली बींग यूज एंड फेड। तो पेज रिप्लेसमेंट जो अप्रोच लेता है वो उसमें ये है कि अगर कोई फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं है तो वो सबसे पहले जो है फाइंड आउट करता है कौन सा करंटली फ्रेम या पेज जो है वो यूज़ नहीं हो रहा और उसको फ्री करता है। यानी कि जो हमारे पास मेमोरी के अंदर पेजेस लोड होते हैं फ्रेम्स के अंदर उनमें से करंटली कौन सा पेज ऐसा है कि जो यूज़ नहीं हो रहा उसको फ्री किया जाता है। वी कैन फ्री अ फ्रेम बाय राइटिंग इट कंटेंट टू द स्वैप स्पेस एंड चेंजेस द टेबल पेज टेबल एंड ऑल अदर टेबल्स टू इंडिकेट दैट द पेज इज़ नो लॉन्गर इन ए मेमोरी। तो फिर उसके नतीजे में जब डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन सा फ्रेम जो है वो काफ़ी देर से यूज़ नहीं हो रहा तो उसको फ्री किया जाता है, उसके कंटेंट्स जो हैं वो बैकिंग स्टोर के ऊपर यानी कि वर्चुअल मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क के ऊपर राइट किए जाते हैं और उसकी टेबल को जो है अपडेट किया जाता है पेज टेबल को। तो और ये इंडिकेट किया जाता है कि उसके जो पेज टेबल है जो पेज जो है वो मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, यानी कि बिट जो है उसको इनवैलिड बिट किया जाता है ताकि फॉर फ्यूचर रेफरेंस इंडिकेट किया जाए कि ये पेज जो है मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं है। वी कैन नाउ यूज़ द फ्रीड फ्रेम टू होल्ड द पेज फॉर विच
the process faulted, we modify the page fault service routine to include page replacement. Now, जो अब हमने पेज जो फ्रेम जो हमने फ्री किया था उसमें वो पेज जो डिज़ाइन पेज जिसको जिसके नतीजे में प्रोसेस जो है पेज फॉल्ट जनरेट किया था उस पेज को उस मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है, होल्ड किया जाता है और हम उसके नतीजे में वी मॉडिफाई द पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन टू इंक्लूड पेज रिप्लेसमेंट। तो बेसिकली पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन जो है उसमें कौन से स्टेप परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन, फाइंड द लोकेशन ऑफ डिजायर्ड पेज ऑन द डिस्क। उस पेज को फाइंड आउट किया जाता है डिस्क के ऊपर जिसकी रिक्वेस्ट ये जनरेट हुई थी, जो प्रोसेस को रिक्वायर्ड था और नीडेड था बट दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मेमोरी। उसके बाद फाइंड अ फ्री फ्रेम, खाली फ्रेम जो है वो तलाश किया जाता है मेमोरी के अंदर क्योंकि मेन मेमोरी रैम जो है दैट इज़ लिमिटेड मेमोरी। दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो मेमोरी में कुछ जो है स्पेस अवेलेबल है तो फ्रेम जो अवेलेबल है पेज को डिजायर्ड पेज को उसमें लोड किया जाता है, और अगर डिजायर्ड पेज अगर फ्रेम्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, कोई भी फ्रेम अवेलेबल नहीं है फ्री फ्रेम, इफ़ देर इज़ ए फ्री फ्रेम यूज़ इट, तो उस फ्री फ्रेम को यूज़ कर लिया जाएगा इन केस अगर है, और अगर नहीं है इफ़ देर इज़ नो फ्री फ्रेम यूज़ अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम टू सेलेक्ट द विक्टिम फ्रेम। तो उस नतीजे में इन केस अगर फ्री फ्रेम्स अवेलेबल नहीं है तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ किया जाएगा, अप्रोप्रिएट प्रॉपर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है वो यूज़ किया जाएगा जो कि विक्टिम फ्रेम सेलेक्ट करेगा और राइट द विक्टिम फ्रेम टू द डिस्क। उस विक्टिम फ्रेम के कंटेंट्स जो हैं वो डिस्क के ऊपर राइट किए जाएंगे। चेंज द पेज पेज एंड फ्रेम टेबल्स अकॉर्डिंगली। तो उस पेज या उस फ्रेम के जो है पेज टेबल और फ्रेम टेबल को चेंज किया जाएगा। तो ये सिनेरियो है। उसके बाद रीड द डिज़ायर पेज इनटू द न्यूली फ्रीड फ्रेम, चेंज द पेज एंड फ्रेम टेबल्स। तो फिर उसके बाद जो डिज़ायर्ड पेज यानी कि जो रिक्वायर्ड पेज जिसकी नतीजे में जो है पेज फॉल्ट जनरेट हुआ था, प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया था और वो पेज अवेलेबल नहीं था, उस पेज को जो फ्रेम हमने एम्प्टी किया था फ्री किया था उसके अंदर लोड किया जाएगा और उसका पेज टेबल और फ्रेम टेबल भी जो है उसको अपडेट किया जाएगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब वो पेज जो है मेमोरी के अंदर लोड हो चुका है। तो स्टेटस ऑफ पेज एंड फ्रेम टेबल विल बी अ चेंज, उसके पेज टेबल और फ्रेम टेबल को अपडेट किया जाएगा। कंटिन्यू द यूज़र प्रोसेस फ्रॉम वेयर द पेज फॉल्ट अकर्ड, और वो प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा था और पेज की रिक्वेस्ट की थी और पेज रिक्वेस्ट के नतीजे में पेज फॉल्ट जनरेट हुआ था, तो उस प्रोसेस ने वहाँ से अपनी एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करना है और वहीं से दोबारा अपने एग्जीक्यूशन को जो है वो स्टार्ट करना है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिनेरियो बनता है वो कुछ ऐसे है। फर्स्ट स्टेप जो है पेज आउट विक्टिम पेज, यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो विक्टिम पेज है उसको स्वैप आउट किया जाएगा और इस विक्टिम पेज के पेज टेबल की एंट्री को इनवैलिड किया जाएगा सेकंड स्टेप में, ताकि नेक्स्ट अगर इस पेज का रेफरेंस कोई प्रोसेस जो है रेफर करता है इसको, तो बेसिकली ये पेज जो है बैकिंग स्टोर के ऊपर अवेलेबल है और इसको दोबारा स्वैप इन किया जाएगा। तो लिहाजा विक्टिम पेज जो है विक्टिम फ्रेम जो है जहाँ पे पेज पड़ा हुआ है उसको हमने आउट किया और डिज़ायर्ड पेज जिसकी वजह से पेज फॉल्ट जनरेट हुआ था, पेज जो है प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया था बट दैट डिज़ायर्ड पेज इज़ नॉट अवेलेबल इन द मेमोरी फिजिकल रैम के अंदर, यहाँ पे ये पेज जो है कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था, ये तमाम फ्रेम्स में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था, तो लिहाजा डिज़ायर्ड पेज को इस विक्टिम फ्रेम के अंदर जिसको हमने अभी एम्प्टी किया था फ्री किया था इसमें लोड किया जाएगा और अकॉर्डिंगली फोर स्टेप जो है हमारा जिसमें हमने इस फ्रेम्स के जो पेज हमने डिज़ायर्ड पेज को लोड किया है इसके पेज टेबल को जो है अपडेट करेंगे। तो दैट इज़ बेसिकली स्टेप्स हैं जो परफॉर्म होंगे अगेंस्ट द पेज रिप्लेसमेंट जब पेज रिप्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पे बेसिकली एक बिट है दैट इज़ इंट्रोड्यूस वैलिड और इनवैलिड बिट, दैट इज़ इंडिकेटिंग दैट कि पेज जो है वो मेमोरी के अंदर अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो जब हमने पेज को आउट किया था तो साथ ही उसकी वैलिड
बिट को इनवैलिड बिट में जो है वो हमने सेट कर दिया, ताकि ये इंडिकेट हो कि ये पेज जो है मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं। इसी तरह जब हमने डिज़ायर पेज को लोड किया मेमोरी के अंदर, उसकी जो बिट है उसको हमने वैलिड कर दिया, क्योंकि नाउ दैट पेज इज़ अवेलेबल इन द मेमोरी। नोटिस दैट इफ नो फ्री फ्रेम आर अवेलेबल, टू पेजेस ट्रांसफर, वन आउट एंड वन इन आर रिक्वायर्ड। दिस सिचुएशन इफेक्टिवली डबल द पेज फॉल्ट सर्विस टाइम एंड इंक्रीज द इफेक्टिव एक्सेस टाइम अकॉर्डिंगली। आपने नोट किया कि अगर फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं है मेमोरी के अंदर, द पेज रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म जो है वो हम यूज़ करते हैं, तो दो पेजेस ट्रांसफ़र जो है वो होती हैं, वन इज पेज इन और वन इज पेज आउट। तो डबल द पेज फॉल्ट प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम जो है दैट इज़ इंक्रीज, डबल हो जाता है, और इसके साथ ही इफेक्टिव एक्सेस टाइम भी जो है वो मेमोरी का इंक्रीज हो जाता है। तो इसको अगर हमने रिड्यूस करना हो, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस ओवरहेड, वी कैन रिड्यूस दिस ओवरहेड बाय यूजिंग अ मॉडिफाई बिट और डर्टी बिट। व्हेन दिस स्कीम इज यूज, ईच पेज और फ्रेम हैज अ मॉडिफाइड बिट एसोसिएट विद इट इन द हार्डवेयर। तो बेसिकली एक इस होवर हेड को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि मेमोरी एक्सेस टाइम जो इंक्रीज़ हो गया, सर्विस रूटीन टाइम भी जो है वो डबल हो गई, तो हमने एक मॉडिफाइड और डर्टी बिट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी। यानी कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस ओवर हेड, द मॉडिफाइड बिट कैन बी यूज, हर पेज और फ्रेम जो है उसके साथ एक मॉडिफाइड बिट एसोसिएट होती है, जिसको हम सेटिंग है दिस बिट वन, इस बिट की वैल्यू जो है वो हम वन करते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि एसोसिएट पेज हैज़ बीन मॉडिफाइड। बेसिकली मॉडिफाइड बिट वर्किंग कैसे करती है कि द डर्टी बिट जो है इसको हम वन सेट करते हैं बाय द हार्डवेयर, व्हेन एवर द पेज इज़ मॉडिफाइड, जब भी पेज मॉडिफाइड होगा। जब हम किसी विक्टिम को सेलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जैसे कि हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि हम मेमोरी में से कोई पेज या फ्रेम जो है उसको सेलेक्ट करते हैं एज ए विक्टिम के तौर पर, सबसे पहले हम उसकी डर्टी बिट को देखते हैं, चेक करते हैं उसकी डर्टी बिट। इफ़ डर्टी बिट या मॉडिफाइड बिट जो है वो अगर सेट है, इसका मतलब है कि पेज हैज़ बीन मॉडिफाइड, तो हम उसको स्वैप इन करते हैं। इन दैट केस वी राइट दैट पेज इन टू द पैकिंग स्टोर। अगर वो डर्टी बिट जो है वो सेट है, इसका मतलब है पेज मॉडिफाइड हो चुका है, तो हम उसको जो जब से पेज लोड हुआ था मेमोरी के अंदर और उसकी डर्टी बिट जो है वो सेट है, वन हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि वो पेज जो है वो मॉडिफाइड हो चुका है। नाउ वी कैन राइट दैट पेज इन टू द पैकिंग स्टोर, जब एज ए विक्टम पेज के तौर पे सेलेक्ट किया। यानी कि जब किसी पेज को मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है और उसके साथ एक बिट जो है वो एसोसिएट हो जाती है, और जब हम किसी पेज रिप्लेसमेंट के नतीजे में पेज को सेलेक्ट करते हैं एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पर, तो फर्स्ट वन उसका चेक किया जाता है कि इसकी मॉडिफाइड बिट जो है वो चेंज हुई है, सेट हुई है। अगर तो वो स्वैप या चेंज हुई है मॉडिफाइड बिट, इसका मतलब है कि वो पेज जब लोड हुआ था मेमोरी के, उस टाइम से अब तक उसमें मॉडिफिकेशन हो चुकी है, चेंजेस हो चुकी हैं, और हम उसको जो है चेंज कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इफ़ डर्टी बिट इज़ रीसेट, अगर उस डर्टी बिट जो है वो रीसेट है, इसका मतलब है कि पेज जो है वो मॉडिफाइड नहीं हुआ जब से उसको लोड किया हुआ है मेमोरी के अंदर, सो हम उसको फिर वापस दोबारा बैकिंग स्टोर पे या डिस्क के ऊपर राइट नहीं कर सकते जब तक के उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो जाएं। इस तरह जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं ओवरहेड को, कौन से ओवरहेड को, जो कि बेसिकली टू ट्रांसफर्स के अगेंस्ट है हमें जो है एक्सेस टाइम, इफेक्टिव एक्सेस टाइम भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इट्स मीन के वी मस्ट राइट दिस पेज टू द डिस्क बिफोर स्वैपिंग इन द डिज़ायर पेज, वी कैन अवॉइड राइटिंग दिस पेज टू द डिस्क। अगर उसकी डर्टी बिट जो है वो सेट नहीं हुई, हम उसके कॉन्टेंट्स को वापस दोबारा राइट नहीं करेंगे जब तक कि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ जाती।
पेज रिप्लेसमेंट इज बेसिक टू डिमांड पेजिंग, इट कम्प्लीट्स द सेपरेशन बिटवीन लॉजिकल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी। पेज रिप्लेसमेंट जो है दैट इज़ बेसिक ऑफ डिमांड पेजिंग, और ये एक सेपरेशन है बिटवीन लॉजिकल और फिजिकल मेमोरी के दरमियान। विद दिस मैकेनिज्म अ वास्ट वर्चुअल मेमोरी कैन बी प्रोवाइडेड फॉर प्रोग्रामर्स ऑन स्मॉलर फिजिकल मेमोरी। बस इस मैकेनिज्म के थ्रू यानी कि एक वास्ट वर्चुअल मेमोरी जो है वो यूज़र को प्रोवाइड की जाती है अगेंस्ट स्मॉल फिजिकल मेमोरी रैम। तो वैसे हमारे पास जो प्रोग्रामर को अवेलेबल होती है दैट इज़ रैम, स्मॉल फिजिकल मेमोरी। बट इन केस ऑफ वर्चुअल मेमोरी प्रोग्रामर को एक वास्ट मेमोरी जो है वो अवेलेबल होती है दैट कैन यूज़ दैट मेमोरी। With no demand paging, all the pages of the process still must be in physical memory. However, with demand paging, the size of logical address space is no longer constrained by the physical memory. तो demand paging अगर आप implement नहीं करते, demand paging अगर available नहीं है, तो उस process के तमाम pages जो हैं that must be reside in the physical memory. Process की execution के लिए वो तमाम उस process के तमाम pages जो हैं वो physical memory के अंदर available होनी चाहिए ताकि प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। बट ताहम फिर डिमांड पेजिंग अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो साइज़ ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेसिस इज नो लॉन्गर कॉन्स्टेंट बाई द फिज़िकल मेमोरी। ये जो लिमिटेशन थी फिज़िकल मेमोरी की वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस यानी कि वर्चुअल मेमोरी के ज़रिए जो है वो हमने इस कॉन्स्टेंट को ख़त्म कर दिया। तो हमारे पास एक वास्ट वर्चुअल मेमोरी जो है वो अवेलेबल है अगेंस्ट द फिज़िकल मेमोरी। तो ये कॉन्स्टेंट जो है वो रिमूव हो गया। इफ़ वी हैव अ यूज़र ऑफ 20 पेजेस वी कैन एग्जीक्यूट इट इन अ 10 फ्रेम सिंपली बाय यूजिंग अ डिमांड पेजिंग एंड यूज़ अ पेज रिप्लेसमेंट टू फाइंड अ फ्री फ्रेम वैन एवर अ नेसेसरी। तो बेसिकली हमें हमारे यूज़र एक यूज़र प्रोसेस है उसके 20 पेजेस हैं तो हम उसके 10 पेजेस जो हैं मेमोरी के अंदर लोड करते हैं यूजिंग अ डिमांड पेजिंग, और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के नतीजे में हम फ्री फ्रेम फाइंड करेंगे। जब हमें रिक्वायर्ड होगा हम उस पेज उस प्रोसेस के बकिया पेजेस को जो है मेमोरी के अंदर लोड कर सकते हैं। तो इस तरह वो जो हमारे पास एक कांस्टेंट था फिज़िकल मेमोरी का के तमाम पेजेस जो हैं वो मेमोरी के अंदर मौजूद होने चाहिए फिज़िकल मेमोरी के अंदर प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए। तो डिमांड पेजिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हुए हम जस्ट वो पेजेस जो प्रोसेस को रिक्वायर्ड हैं इनिशियली उसको एग्जीक्यूशन के लिए, लेट्स से कि 20 पेजेस हैं तो 20 में से 10 उसको रिक्वायर्ड हैं वो हम उसको लोड कर लेंगे मेमोरी के अंदर विद डिमांड पेजिंग को इम्प्लीमेंट करते हुए, यानी कि जो रिक्वायर्ड पेजेस हैं दैट विल बी अलोडेड। और उसके नतीजे में जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा जैसे जैसे उसको पेजेस रिक्वायर्ड होंगे तो पेज रिप्लेसमेंट को यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास फिज़िकल मेमोरी के अंदर स्पेस नहीं होगी तो हम पेज रिप्लेसमेंट को यूज़ करते हुए फ्री फ्रेम को फाइंड करेंगे जब हमें रिक्वायर्ड होगा और उस पेज को लोड कर लिया जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है पेज रिप्लेसमेंट का और डिमांड पेजिंग का। इफ़ पेज दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड इज़ टू बी रिप्लेस इट कॉन्टेंट आर कॉपी टू द डिस्क अ लेटर रेफरेंस टू दैट पेज विल काज अ पेज फॉल्ट। तो इस तरह हमने पेज जो है जो पेज मॉडिफाइड हो चुके होंगे, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि डर्टी और मॉडिफाइड बिट होती है, जब पेज लोड हो जाता है और लोड होने के बाद उसकी बिट अगर मॉडिफाइड हो जाती है उसकी बिट सेट हो जाती है 1 तो इट्स मीन कि वो मॉडिफाइड हो चुका है, उसके कंटेंट्स जो है वो वापस डिस्क के अंदर राइट कर दिए जाते हैं। लेटर ऑन अगर उस पेज को दोबारा रेफर या उसका रेफरेंस जनरेट होता है या उसकी रिक्वायर्ड होता है किसी प्रोसेस को तो वो पेज फॉल्ट जनरेट होगा और देन अगेन उस पेज को जो है मेमोरी के अंदर लोड किया जाएगा। एट दैट टाइम द पेज विल बी ब्रॉट बैक इनटू अ मेमोरी परहैप्स रिप्लेसिंग सम अदर पेजेस इन द प्रोसेस। तो जो उस पेज को जिसको हमने वापस दोबारा जो है वो राइट कर दिया था डिस्क पे और पेज फॉल्ट जनरेट होने की सूरत में हमें वो पेज रिक्वायर्ड है, हम उसको मेमोरी के अंदर दोबारा लेके आएंगे। अब जब हम उसको मेमोरी के अंदर लोड करेंगे हो सकता है कि उसके नतीजे में कुछ दूसरा पेज जो है उसको दूसरे प्रोसेस के पेज को जो है वो रिप्लेस करके उसको लोड किया जाए। लाजमी नहीं कि जहाँ से हमने उसको रिप्लेस किया था वो पेज वहीं उसी मेमोरी के अंदर उसी लोकेशन के अंदर दोबारा लोड हो, उसको कहीं दूसरी मेमोरी के अंदर किसी दूसरे फ्रेम के अंदर लोड किया जाएगा।
मस्ट सॉल्व टू मेजर प्रॉब्लम टू इम्प्लीमेंट डिमांड पेजिंग। दो मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिमांड पेजिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे और वी मस्ट डेवलप फ्रेम एलोकेशन एल्गोरिदम। हाउ मैनी फ्रेम्स आर टू बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस क्वेश्चन इज दैट, और पेज एलोकेशन एल्गोरिदम विच प्लेस टू बी अ रिप्लेसमेंट। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड एंड डेवलप करने के लिए, दैट इज़ इफ़ वी हैव मल्टीपल प्रोसेस इन ए मेमरी वी मस्ट डिसाइड हाउ मैनी फ्रेम्स टू एलोकेट टू ईच प्रोसेस एंड वैन पेज रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड वी मस्ट सेलेक्ट द फ्रेम्स दैट आर टू बी अ रिप्लेस्ड। तो हमें अगर हमारे मेमरी के अंदर मल्टीपल प्रोसेस हैं लोड हैं और एक्सिक्यूट हो रहे हैं तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि कितने फ्रेम्स जो हैं वो हर प्रोसेस को हमने एलोकेट करने हैं, बिकॉज क्योंकि फिज़िकल मेमोरी जो है दैट इज़ लिमिटेड, और अनलिमिटेड या मैक्सिमम फ्रेम्स हम किसी एक प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई मल्टीपल प्रोसेस अगर एक्जीक्यूट हो रहे हैं तो कितने फ्रेम्स जो हैं वो हमें एलोकेट करने चाहिए किसी भी प्रोसेस को, और जब पेज रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड हो तो कैसे हम जो है फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे या हम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने रिप्लेस करना है। तो दैट इज़ बेसिकली टू जो है प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। डिज़ाइनिंग अप्रोप्रिएट एल्गोरिदम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, बिकॉज आईओ डिस्क इज सो एक्सपेंसिव। तो प्रॉपर एल्गोरिदम जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे ताकि हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, क्योंकि एल्गोरिदम अगर आपके प्रॉपर और बेस्ट एल्गोरिदम आपने इम्प्लीमेंट किए होंगे तो आयो डिस्क ऑपरेशन यानी कि डिस्क ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है दैट इज़ सो एक्सपेंसिव, सो अननेसेसरी डिस्क आयो ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई देर आर टू मेजर रिक्वायरमेंट जो हैं हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए सक्सेसफुली डिमांड पेजिंग सिस्टम के लिए। हमें क्या चाहिए, एक तो फ्रेम एल्कुलेशन एल्गोरिदम और दूसरा पेज रिप्लेसमेंट। तो बेसिकली हम ओवरऑल जो गोल होगा हमें इन सेलेक्टिंग एंड ट्यूनिंग दिस एल्गोरिदम इज़ टू जनरेट फ्यूस्ट नंबर ऑफ ओवरऑल पेज फॉल्ट, मिनिमम से मिनिमम पेज फॉल्ट जनरेट हो, क्योंकि डिस्क आयो ऑपरेशन इज सो एक्सपेंसिव, बिकॉज डिस्क एक्सेस इज सो स्लो रिलेटिव टू द मेमोरी एक्सेस, क्योंकि हमने डिस्क को एक्सेस करना है और डिस्क एक्सेस जो है दैट इज़ एक्सपेंसिव और स्लो है इन एज़ कम्पेयर टू मेमरी एक्सेस। तो अगर हम स्लाइटली इम्प्रूव कर लें इन एल्गोरिदम्स को तो लार्ज इम्प्रूवमेंट आ सकती है ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस में। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमने पेज जो है हमने सिस्टम की इम्प्रूवमेंट चाहनी है तो इम्प्रूवमेंट के लिए हमें जो है एल्गोरिदम्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट डिज़ाइन होने चाहिए ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट ना हो। तो इवन स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन डिमांड पेजिंग मेथड यील्ड द लार्ज गेन इन सिस्टम परफॉर्मेंस। तो जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ कि अगर हम स्लाइटली इम्प्रूवमेंट ले आएँ इन एल्गोरिदम में तो हम लार्ज इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस में। तो बेसिकली ये हमारा एम है। देयर आर मैनी डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोबेबली हैज़ इट्स ओन रिप्लेसमेंट स्कीम। बहुत से डिफरेंट किस्म के पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम अवेलेबल हैं और हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है पेज रिप्लेसमेंट स्कीम है जो वो यूज़ करता है पेज रिप्लेसमेंट के लिए। हाउ डू वी सेलेक्ट अ पर्टिकुलर पेज रिप्लेसमेंट, इन जनरल वी वांट टू वन विद द लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट। तो हम कैसे जो है एक पर्टिकुलर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को सिलेक्ट करेंगे, तो इन जनरल अगर हम देखा जाए तो हमें वो सिलेक्ट करना चाहिए पेज रिप्लेसमेंट जिसमें हमें लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट जो है वो अचीव हो, यानी कि लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट होगा दैट इज़ द बेस्ट एल्गोरिदम जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने सिस्टम के लिए। तो ये गोल या जो है पर्पज़ होना चाहिए पेज रिप्लेसमेंट का कि उसमें पेज फॉल्ट रेट मिनिमम से मिनिमम जनरेट हो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कौन से हैं और हर पेज रिप्लेसमेंट को वो जो है वो देखेंगे कि उसके अंदर कितने जो है कौन सा पेज फॉल्ट पेज एल्गोरिदम जो है बेस्ट है किस सिनेरियो में।